कस्बा भरुआ सुमेरपुर में पानी सप्लाई पाइपलाइन खराब होने से पेयजल का संकट। आपको बता दें कि बुंदेलखंड का जनपद हमीरपुर जो कि विकास योजनाओं में सबसे पिछड़ा जिला है, जबकि देश के विकास के लिए हमीरपुर से यमुना बेतवा नदी की मोरम जाती है, फिर भी यहां के लोग हमेशा पानी बिजली सड़क शिक्षा के विकास से कोसों दूर बने रहते हैं। ऐसा ही नजारा सामने आया भरुआ सुमेरपुर में, जहां पर वाटर लेवल जल स्तर नीचे चले जाने के कारण लोगों के घरों में लगे निजी हैंडपंप सूख चुके हैं। अब सिर्फ जल निगम या जल संस्थान की पाइप सप्लाई के भरोसे यहां के लोग जी रहे हैं, परंतु रेलवे क्रॉसिंग के पास से निवासी अक्सर पानी के लिए परेशान रहते हैं। टुडे 24 न्यूज ने जब वहां के निवासी रमेश चंद्र गुप्ता, सुधीर सिंह गुप्ता, भैयालाल गुप्ता, तेज कुमार सिंह, बबलू सिंह, श्याम शरण तिवारी, पवन सैनी से बात की तो लोगों ने बताया कि यहां पर पाइपलाइन खराब है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे चुके हैं, परंतु कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। नगर पंचायत टैंकर से पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसमें भी आए दिन समस्याएं आती रहती हैं तथा एक मोहल्ले में एक टैंकर पानी पहुंचने के कारण लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पाता। भाई साहब, आपकी क्या समस्या है? पानी नहीं आ रहा है यार, 4 महीने से सारा पाइपलाइन लीकेज पड़ा है, सब जगह कोई सारा सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, मैं यहाँ से लेकर लखनऊ तक सारा सब जगह शिकायत कर चुका, इसके बावजूद भी नहीं कोई सुनवाई। अधिकारी से भी अवगत करा चुका, लिखित में भी दे चुका, कहीं कोई सुनाई नहीं, सारा पानी नहीं आ रहा है 4 महीने से। कब तक हो गई, कब से समस्या आई है? 4 महीने से। अच्छा, हाँ, मार्च से समस्या है। मार्च में मैंने लखनऊ भी शिकायत की, कोई भी सुनाई नहीं हुई। अच्छा, उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, सब साले तमाशा बनाए हैं, कितने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मैं चंद्र गुप्ता।